बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को कुछ समय पहले पैर में गलती से गोली लग गई थी। इसके बाद वो कुछ दिन तक आराम करते रहे। ठीक होने के बाद गोविंदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए चुनाव प्रचार में उतरे कि उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। दरअसल गोविंदा चुनाव रैली के दौरान रोड शो कर रहे थे कि तभी उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक गोविंदा के सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस खबर के बाद गोविंदा के फैंस परेशान हो गए। गोविंदा की खराब सेहत की खबर सुनकर फैंस टेंशन में आ गए हैं। वहीं IANS की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें थकावट होने की वजह से बेचैनी महसूस हो रही थी। वहीं उनके करीबी ने पुष्टि की है कि एक्टर की हालत अब पहले से स्थिर है, वो फिलहाल आराम कर रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि एक्टर को अस्पताल से जल्द ही छुट्टी मिलेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले गोविंदा के पैर में गलती से गोली लग गई थी। वो अपनी अलमारी से बंदूक निकालकर उसे चेक कर रहे थे कि उन्हें अचानक गोली लग गई। हालांकि अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक्टर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सोशल मीडिया पर गोविंदा के फैंस उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। फिलहाल हम तो गोविंदा के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। और आप क्या कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।